दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मैं एक सनस्क्रीन यूज कर रहा था जो कि है वॉस्किन साइंस की सनस्क्रीन स्प्रे। इस सनस्क्रीन का हाईलाइट फीचर है इसका SPF, तो इसमें हमें SPF 50 मिल रहा है। और दोस्तों कुछ चीजें हैं जो मुझे सनस्क्रीन की अच्छी लगी हैं और कुछ चीजें हैं जो मुझे सनस्क्रीन की अच्छी नहीं लगी हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी मंत्रा में। इस रिव्यू में मैं आपसे सारा कुछ शेयर करने वाला हूं, तो जल्दी से आप वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस रिव्यू को। तो चलिए पहले हम देखते हैं वो चीजें जो मुझे सनस्क्रीन की बहुत ही अच्छी लगी हैं। पहली चीज है इसका SPF, तो इसमें आपको SPF 50 मिल रहा है। अब सबको पता है कि SPF होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, और सनस्क्रीन का जितना हाई SPF होगा उतनी अच्छी प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करेगी सन की हार्मफुल यूवी रेज से। और इसमें आपको SPF 50 मिल रहा है, तो 98% आपको सन की हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्शन मिल जाती है। दूसरी चीज जो मुझे सनस्क्रीन की अच्छी लगी है कि इसको यूज करना काफी ज्यादा आसान है। यूज करने के लिए सबसे पहले आपने इसे अच्छे से शेक कर लेना है, उसके बाद आपने इसे फेस से 20 सेंटीमीटर दूर होल्ड करके इसे स्प्रे कर लेना है अपने पूरे फेस पे, उसके बाद अपने अपने फिंगर टिप्स की मदद से इसे स्प्रेड कर लेना है फेस पे, और ये आपकी स्किन के अंदर अब्सॉर्ब होना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों तीसरी चीज जो मुझे सनस्क्रीन की अच्छी लगी है कि ये सनस्क्रीन सन की हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती ही है, साथ ही साथ स्किन को काफी अच्छा हाइड्रेशन इफेक्ट एंड कूलिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करती है। इसमें नेचुरल सन ब्लॉकर्स का यूज किया गया है, जैसे कि रसबरी एक्सट्रैक्ट, कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट एंड एवोकाडो ऑयल, तो सन की हार्मफुल यूवी रेज को तो ये ब्लॉक करेगी ही, साथ ही साथ स्किन को काफी अच्छी हाइड्रेशन एंड कूलिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करती है। और दोस्तों फोर्थ पॉइंट जो मुझे इसका अच्छा लगा है कि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है, तो UVA के साथ साथ UVB रेज को भी ये ब्लॉक करती है, तो स्किन को डैमेज होने से ये बचाएगी, सनबर्न से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, और साथ ही साथ स्किन कैंसर से भी आपको दूर रखेगी। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको इस सनस्क्रीन से मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो मुझे इस सनस्क्रीन की अच्छी नहीं लगी है। तो टोटल तीन बातें हैं जो मुझे इस सनस्क्रीन की अच्छी नहीं लगी है। पहली चीज है कि नो डाउट इसको यूज करना काफी ज्यादा आसान है, लेकिन जैसे आप इसको यूज कर लेते हैं ना, तो ये सनस्क्रीन आपकी स्किन के अंदर इजीली अब्सॉर्ब नहीं होती, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो काफी ज्यादा थिक होता है, तो आपकी स्किन के अंदर ये इजीली अब्सॉर्ब नहीं होती। और अगर ये स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो भी जाती है तो भी आपको ये थोड़ी सी ग्रीसी फील देती है, तो अगर आपको ग्रीसी फील अच्छी नहीं लगती उस केस में ये सनस्क्रीन आपके लिए अच्छी ऑप्शन नहीं रहने वाली। दोस्तों दूसरी चीज जो मुझे सनस्क्रीन की अच्छी नहीं लगी है वो है कि ये ऑल स्किन टाइप सूटेबल नहीं है। इसकी पैकेजिंग पर लिख दिया है कि ये ऑल स्किन टाइप सूटेबल है, लेकिन दोस्तों अगर आपकी ऑयली स्किन है ना, उस केस में इसको अप्लाई करने के बाद आपको स्किन में थोड़ी सी ग्रीसी फील आती है। हालांकि स्टिकीनेस फील मुझे इससे देखने को नहीं मिली, लेकिन थोड़ी सी ग्रीसी फील ये स्किन में प्रोड्यूस करती है। और अगर आपकी पहले से ही ऑयली स्किन है, उस केस में मेरी एडवाइस रहेगी कि आप इस सनस्क्रीन का यूज ना कीजिए। उस केस में जो लाइट सनस्क्रीन आती है उनका आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मामा अर्थ की अल्ट्रा लाइट सनस्क्रीन, वो सनस्क्रीन ज्यादा अच्छी रहेगी इन केस ऑफ ऑयली स्किन। अगर आपकी ड्राई स्किन है उस केस में जरूर आप इस सनस्क्रीन का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरा पॉइंट जो मुझे इस सनस्क्रीन का अच्छा नहीं लगा है वो है इसका प्राइस। ये 100ml की पैकेजिंग में आती है और इसका MRP प्राइस है 499 rupees। और दोस्तों मुझे नहीं लगता कि एक नॉर्मल बंदा 500 rupees इन्वेस्ट करेगा इस सनस्क्रीन के ऊपर। अगर आपको एक अच्छी सनस्क्रीन चाहिए तो 200-300 rupees में वो मिल जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपको वाओ की ही सनस्क्रीन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ड्रॉप कर दूंगा, उस लिंक की मदद से अगर आप इसे खरीदोगे तो आपको 20-30% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर देना। कोई मन में डाउट है या क्वेश्चन है तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक और नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।